नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। तो जितने मेरे दर्शक देखने वाले भाई, नाम के पहचान के मोहताज नहीं है बालकृष्ण जी, जीके भाई विके सर, मतलब हंसी मजाक भी और बहुत बढ़िया पढ़ाना, और नू मान लो भाई जीके के तो धुरंधर हैं, बालक जो हर राज्य होगी पढ़िया करें हर वीडियो भी यूट्यूब पर, अगर कि मैं नहीं देखने ना पावा, मतलब कुछ भी नहीं पावा, तो बालकृष्ण मास्टर जी की वीडियो देख लो सब की मैं ले उसके मैं। तो मास्टर जी आज नेहरू पार्क माफ कर दिया, नेहरू पार्क माना कारण आन का कारण है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार ने 5 और 6 नवंबर को सीईटी लिया था। अच्छा। और उसमें एक पेपर में और कंडीशन थी कि क्वालिफाई जो करेगा उसको अगला पेपर में बैठने दिया जाएगा, लेकिन सरकार कह रही कि 4 गुना ही बच्चों को मौका दिया जाएगा, जो बहुत गलत है। और आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में बच्चों के साथ खड़ी, युवाओं के साथ, और हम इसका समर्थन करने के लिए सभी बच्चे और पूरे हरियाणा में जितने भी टीचर हैं सारे समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि युवा उसके साथ है जो युवाओं का साथ देगा। और पेपर में बैठने का अवसर मांग रहे हैं, ये नौकरी नहीं मांग रहे बच्चे, एक जानकारी मैं बता देता हूँ, कदे कौन हो तो नौकरी मांगा, पेपर में बैठन दो, जो पढ़निया हो लाग जाएगा, बस यह मांग है। तो यह मांग है, तो आज जो रोड शो होने वाला है कोर्ट तक, तो उसमें आप शामिल हो? बिल्कुल, तन मन धन तय, सारी एकेडमी के बालक और जितने ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं सारे हम साथ हैं आम आदमी पार्टी का इस आंदोलन में। तो फिर पार्टी तो भाई सरकार तो आपकी दिक्कत है, तो आम आदमी पार्टी में क्यों न्यारा नजर आया आपने? हमने आम आदमी पार्टी मतलब जो युवाओं की मांग उठाओ मारा है, दीपेंद्र हुड्डा ने और करनाल में कराया था तो भी हम उड़ जा रहे थे। अच्छा। आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में कर रही है, तो जितने भी बालक हो सारे इनके साथ हैं, जो मारी सुनेगा हम उसकी सुनाएंगे। अच्छा, जो मतलब बालकें आवाज उठाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये है हमारी पहल है जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो फिर आज कितने एक बालक आप लेकर आ रहे हो साथ? देखो लेने का कौन, ये दिल तो आ रहे हैं बालक, या को लेकर तो जी आ रहा जी, बाबा रैली करा या भीड़ करा पीछे मत जी लिया करा, ये तो दुखी आत्मा बेचारे। हाँ, ये दुखा है, सताए और आदमी है, और ये जितने भी आ रहे हैं एक एक आदमी एक एक लाख के बराबर, एक लाख के बराबर बिल्कुल। भी मैं कुछ युवा भाई बैठे थे पाचन होने तक बुझू था, तो वह नो लेकर भाई सरकारी नौकरी बिना तो ब्याह भी कोनी होते गए। बिल्कुल, ब्याह तो ब्याह कड़े हो देखो, मतलब गांव में भी ना आंदा जी। बिल्कुल, और सरकार तो हमारी यह है कि जल्दी से जल्दी बच्चों की बात को माने और इनको पेपर में बैठने का अवसर दे। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने युवाओं की बात सुनी, और आपने जो बेरोजगार भाण भाई हैं, मैं तो अपने हरियाणा में बता करूँ, बड़े मतलब ये कई भर्ती सर इसमें ऐसी हैं जो 2013 से ही पूरी नहीं हुई, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, लैंड पटवारी, 2013 और आज 23, 10 साल हो गए। गरीब सरकार ये कह रही है हम 4 गुणा ने बिठावांगे, और 4 गुणा में भी नहीं कौन बैठेगा ये नहीं, कोई तय नहीं है, मतलब कोई रूपरेखा नहीं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने आज बच्चों की सुनी है, और पूरे प्रदेश स्तर पर इनका ये जो कार्यक्रम है हम सारे भाण भाई इनके साथ हैं, और तन मन धन इनका साथ देवांगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय 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 जय